नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको हमारे YouTube चैनल पिग्रा मैथ्स में। मैं पप्पू कुमार और आप लोग को आज हम बताएंगे ट्रिपलेट्स, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल का ट्रिपलेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो है आगे जब हम ट्रायंगल का पार्ट करेंगे या ट्रिगोनोमेट्री है ना, तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये, ठीक है। चाहे ज्योमेट्री का भी हम बात करें तो वहाँ भी ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये ट्रिपलेट्स हमारा, ठीक है। तो ये आज हम कुछ ट्रिपलेट्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में आपको पता है ये कर्ण होता है, ठीक है, ये आधार होता है, ठीक है, और ये लंब होता है, ठीक है। अगर इसको हम शॉर्ट में एच से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ ट्रिपलेट्स हमारा आता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स हम कैसे बनाते हैं, ट्रिपलेट्स का एक हम साधारण सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है, ए, ठीक है, रेशियो ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू, ठीक है, रेशियो और ए स्क्वायर प्लस वन बाई टू, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, इससे आप ट्रिपलेट्स आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए का मान हमेशा विषम संख्या ही रखना है, ठीक है। तो विषम संख्या सबसे पहले हम कितना रखेंगे, तीन रखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम तीन रखते हैं तो तीन का स्क्वायर, ठीक है, तो तीन का स्क्वायर कितना होता है, तीन तिहाई नौ, नौ में से जैसे हम एक घटाएंगे तो आठ, और आठ में आधा, आठ का आधा करेंगे चार, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो तीन का स्क्वायर तीन तिहाई नौ, ठीक है, नौ में एक जोड़ेंगे कितना होगा दस, और दस का आधा करेंगे पाँच होगा। उसी तरह हम आगे बढ़े, यहाँ पर सम संख्या नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सम संख्या रखने से क्या होगा, आंसर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, इसका बटा के रूप में आएगा, फिर आपको वहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बटा हटाना पड़ेगा, तो वहाँ दिक्कत हो सकता है। अगर हम पाँच रखते हैं, ठीक है, ए का मान पाँच रखते हैं, तो क्या होगा, जैसे हम पाँच रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, जैसे ये पाँच रखेंगे तो पाँच का स्क्वायर कितना होता है, पच्चीस, पच्चीस में से एक घटाएंगे तो कितना होगा चौबीस, चौबीस का आधा करेंगे बारह होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ बात करें हम, तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस में एक जोड़ेंगे छब्बीस, और छब्बीस का आधा करेंगे तेरह। अगर उससे हम आगे बढ़े तो सात, ठीक है, तो अगर हम सात का बात करें, ठीक है, तो सात सत्ते उनचास में से घटाएंगे अड़तालीस, और अड़तालीस का आधा करेंगे चौबीस, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें तो सात का स्क्वायर उनचास, उनचास और एक पचास, पचास का आधा करें कितना होगा पच्चीस होगा। फिर हम उससे आगे बढ़े, अगर हम नौ रखते हैं, ठीक है, अगर हम नौ रखते हैं तो कितना होगा, नौ का स्क्वायर नौ नौ इक्यासी, इक्यासी में से एक जैसे ही घटाएंगे तो कितना होगा अस्सी, और अस्सी का आधा करेंगे चालीस, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ हम नौ का स्क्वायर करेंगे तो इक्यासी, इक्यासी में एक जोड़ेंगे बिरासी, और बिरासी का आधा करेंगे इकतालीस। अगर उससे हम आगे बढ़े तो ग्यारह, ठीक है, रेशियो ग्यारह का हम स्क्वायर करेंगे तो एक सौ इक्कीस में से एक घटाएंगे तो एक सौ बीस, एक सौ बीस का आधा करेंगे कितना होगा साठ होगा रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्यारह का स्क्वायर करेंगे एक सौ इक्कीस, और एक एक सौ बाईस का आधा करेंगे कितना होगा इकसठ होगा। मेनली आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन इसके एक्सेप्शनल में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके एक्सेप्शनल में जैसे सम संख्या वाला कौन कौन है, ठीक है, अगर सम संख्या का हम बात करें उससे पहले हम इससे इसका डिराइव्ड का बात करते हैं, ठीक है, इससे डिराइव्ड क्या क्या हो सकता है, हो सकता है इसका दोगुना है, ठीक है, यहाँ छः अनुपात इसका दोगुना आठ अनुपात इसका दोगुना पाँच दुना दस, इसका भी उसी तरीके से हो सकता है दोगुना पाँच का पाँच दुना दस अनुपात बारह दुना चौबीस अनुपात तेरह दुना छब्बीस, उसी तरीके से और डिराइव्ड हो सकता है सात दुना चौदह है ना रेशियो चौबीस दुना अड़तालीस, ठीक है, रेशियो और पच्चीस दुना पचास, इसका तिगुना करके भी हो सकता है, ठीक है, इसका तिगुना भी हो सकता है, जैसे अगर हम तीन से तीन तिहाई नौ अनुपात चार तिहाई बारह अनुपात पाँच तिहाई पंद्रह, ये भी तिगुना हो सकता है, ठीक है, पाँच तिहाई पंद्रह अनुपात बारह दुना चौबीस सॉरी पाँच तिहाई पंद्रह और बारह तिहाई छत्तीस, ठीक है, चूँकि हम तीन गुना कर रहे हैं तो पाँच तिहाई पंद्रह, ठीक है, और बारह तिहाई छत्तीस, और ये क्या होगा तेरह तिहाई उनचालीस। तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें ये तो दोगुना तिगुना पाँच गुना दस गुना ये भी कर सकते हैं, ठीक है, या दिया हुआ भी रहेगा। इसी तरीके से हम इसका और सारा ड्राइव्ड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अगर मान के चलिए इसका आधा कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं
जैसे इसका क्या रहेगा, 3/4 दो अनुपात, फिर 4/2 अनुपात, फिर आएगा 5/2। ठीक है, इस तरीके से भी इसका गुना भाग करके भी रह सकता है। आगे अगर इसमें रूट वगैरह लगा दिया जाए, जैसे 5√2 अनुपात 12√2 अनुपात 13√2। ठीक है, इस तरीके से यानी कि किसी भी तरीके का इसमें आपको दे सकता है, चाहे वो बटा के रूप में हो, चाहे वो रूट के रूप में हो। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे, ठीक है, कि ये रूट ही है, सॉरी ये ट्रिपलेट्स ही है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ये ध्यान में आपका रहे तो ये सारा ट्रिपलेट्स आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है डेराइव्ड ट्रिपलेट्स है। अब हम इसको, हम लोग जानते हैं कि ये जो है सबसे बड़ा वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, बाकी आधार और लंब ये दोनों एक्सचेंज होते रहता है। यानी कि सबसे बड़ा अगर दिया रहे, ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हो सकता है ट्रिपलेट्स बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से दिया रहे, अगर ये दोनों में से कोई एक दिया रहे, सॉरी ये तीनों में से कोई दो दिया रहे, तब तो ट्रिपलेट्स हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि दोनों में से अगर तीनों में से ट्रिपलेट्स दो दिया रहे, ये तीनों में से कोई एक, जैसे अगर यहाँ पे हमें दिया रहता 7 है ना और 24, तो हमको ये पता होता कि 7 और 24 दो भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा जरूर हुआ कितना होगा, 25 होगा। अगर दो भुजा दिया रहता 60 और 61, ठीक है, तो हमको ये पता है कि सबसे छोटी वाला जो भुजा है वो कितना हो जाता, 11 हो जाता। मतलब ये है कि इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ट्रिपलेट्स का जब भी दो कोई दिया रहे भुजाओं की संख्या, तो हम तीसरा भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ हम एक्सेप्शनल जो है सम संख्या वाला, अभी तक हम बताएं वो विषम संख्या वाला था, ठीक है, लेकिन अब सम संख्या वाला बताते हैं। जैसे अगर सम संख्या वाला कौन कौन है, तो ये 8 अनुपात 15 अनुपात 17, ठीक है। उसके बाद सम संख्या वाला एक और है, 20 अनुपात 21 अनुपात 29, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सम संख्या वाला है। ये विषम संख्या आपका फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, जो कि ये विषम संख्या नहीं, ये सम संख्या वाला है, ठीक है। तो इससे भी डिराइव्ड आप कर सकते हैं, इसका भी आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया रहे इस तरीके से 16 और 30, ठीक है, और आपसे पूछे, यानी कि आपसे आपके एग्ज़ाम में यानी कि क्वेश्चन वहाँ पे इस तरह का है जहाँ आपको कर्ण का कर्ण निकालना हो, तो देखेंगे कि यह 16 और 30 है, इसका मतलब ये 8 और 15 है, तो 8 और 15 है तो आगे क्या होना चाहिए था, 17, ठीक है। तो 17 का, जब चूँकि ये सबका दोगुना है, तो हम क्या कर लेंगे, 34 कर लेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ अगर दिया रहेगा आपको 29√5, ठीक है, और ये दिया रहता है 21√5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये ट्रिपलेट्स का बन रहा है, 20 21 और 29 का ट्रिपलेट्स पर बन रहा है, सिर्फ ये रूट पाँच लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर 20 होना चाहिए था और √5 है, तो √5 लगा देंगे। तो ये सब हमारा क्या है, ट्रिपलेट्स है। और उम्मीद है ये ट्रिपलेट्स जब भी आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा, तो आप चाहे वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, या मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो, या ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हो, क्योंकि ज्योमेट्री मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। और वहाँ पर जब हम अगले पार्ट में ट्रायंगल करेंगे, यानी कि मेंसुरेशन का ट्रायंगल करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कितना ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए हमें ट्रिपलेट्स जरूर याद रहना चाहिए। तो उम्मीद है ये ट्रिपलेट्स आपको, ट्रिपलेट्स का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ सीखने को भी मिला होगा, है ना। तो अब जो है हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन का पार्ट वन, चूँकि हमारा जो ट्रायंगल बेस्ड होगा उसको हम लगभग 25 से 30 पार्ट में करेंगे, चूँकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, और उसमें भी हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, धन्यवाद।